से तकदीर में प्यास दे, कैसी मोहब्बत करूं मेरे लिए आप है। सुन ए मेरी जान जा, आ तू मेरे पास आ, मत जुल्म अपने पे कर, खुद को न इतना सता। इश्क बड़ा पाक है, दामन ये बेदाग है, फिर क्यों मोहब्बत बता, तेरे लिए पाप है। एक मिनट, क्या हुआ? घर ठीक तो है? वो ठीक है, पर उनसे होश आ रहा है। में आते ही घर ने सबसे पहला नाम ईशा का लिया हो, लेकिन गर्व सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं गर्व को बता दूंगी कि मैं ही उसकी मेघा हूं, सब कुछ बता दूंगी उसे। तुम ऐसी गलती नहीं कर सकती कोयल, जल्दबाजी में तुम सब गड़बड़ कर दोगी। देखो इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है, प्लीज वेट फॉर लिटिल वाइल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान कोयल को घर ले जाओ, मैं यहां नजर रखती हूँ। चलो प्लीज प्लीज कोयल को। क्या हुआ बेटा? ठीक तो है? तुम आराम करो, शांत हो जाओ बेटा। क्या हुआ मामा मुझे? बेटा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था। आज तुम्हें होश आया है बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिमझिम जी, मेरे घर को होश आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर को देखकर आते हैं। हाँ,
कर तुम बेटा प्लीज। वो बेटे वो मैंने उसे है ना गर्व ईशा दिल्ली गई हुई है। तुम्हारे मम्मी का काम अब वही संभालती है। हम उसे बुला लेंगे। मुझे मालूम है। आप ईशा को दिल्ली से बुला लीजिए। इसी वक्त मुझे उससे मिलना है। प्लीज हाँ हाँ बेटा मैं उसे बुला लूंगी बेटा उसे। आंटी मम्मा आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे। ईशा कहाँ है? आप दोनों यहाँ पे और ईशा नहीं। इस पे छुपाने वाली क्या बात है बेटा, हम ईशा को बुला लेंगे। आप उसे इसी वक्त दिल्ली से बुला लीजिए। मुझे नहीं मालूम। बुला लीजिए। मामा शांत हो जा बेटा। ईशा कहाँ है मामा? एक्सक्यूज मी सिर्फ मुझे ईशा से मिलना। आप लोग बाहर जाइए। ईशा कहाँ है मामा? मामा घर को ये सारी बातें हम कैसे समझाएं? अगर दोबारा उसे कुछ हो गया तो ईशा की दूसरी शादी हो गई है, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें गर्व को यहाँ नहीं रखना चाहिए। मतलब हमें गर्व को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। देखिए नम्रता जी, विकी यहीं एडमिटेड है। घर के सारे लोग ईशा उनका हमेशा यहाँ आना जाना होगा। अगर किसी ने भी गर्व को देख लिया तो विकी और ईशा की जिंदगी अभी शुरू हुई। हम नहीं चाहते उसमें कोई भी परेशानी आए। कोयल आज भी ईशा से प्यार करता है। उसके दिल में आज भी ईशा है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। I just can't. कोयल प्लीज इतनी दुखी मत। प्लीज डोंट क्राई। मुझे रोना नहीं चाहिए। मैं नहीं रोऊंगी। मैं ईशा और गर्व को कभी एक नहीं होने दूंगी। कभी एक नहीं होने दूंगी। बल्कि ईशा को गर्व की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि गर्व सिर्फ मेरा है। लेकिन रिमझिम तुम्हें और गर्व को कभी एक नहीं होने देगी। कभी भी नहीं कोयल। रिमझिम एक नई साजिश रचने जा रही है। साजिश? कैसी साजिश कोयल? मैं अभी हॉस्पिटल से उनकी बातें सुनकर आ रही हूँ। रिमझिम ने तय किया है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि गर्व जिंदा है। पता नहीं रिमझिम के मन में क्या है, लेकिन हाँ वो गर्व को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रही थी। वो नहीं चाहती कि किसी और की नजर गर्व पे पड़े। लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है कोयल? तुम बहुत बुरे, बहुत। मेरा विश्वास है कि रिमझिम के हर प्लान, हर साजिश के पीछे एक ही मकसद है। वो है ईशा और गर्व को मिलवाना। और वो इन दोनों को मिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी।
मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रिमझिम तुम्हारे गर्व को तुमसे दोबारा से छीनने की कोशिश कर रही है कोयल। रिमझिम भूलना नहीं, भूलना नहीं, बना के दीवाना, भूलना बेटा। मामा। बेटा अपने आप को संभालो, इतने समय कोमा में रहने के बाद अब तुम्हें होश आया है। मामा एक बात बताइए, क्या ईशा सचमुच कहीं चले गई है? कर बेटा, क्यों जिद कर रहा है? मैं तुमसे वादा करती हूं कि ईशा तुमसे जरूर मिलने आएगी, वो आएगी तुमसे मिलने। नम्रता जी, आपके बेटे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का इंतजाम कर दिया गया है। थैंक यू डॉक्टर। वैसे इसे अब हॉस्पिटल में रखने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसे घर ले जा सकती हैं। ही इज परफेक्टली ऑलराइट। मतलब नो प्रॉब्लम, नो कॉम्प्लिकेशंस? बिल्कुल नहीं, बस एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, वक्त पर दवाइयां देते रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ओके गर, या ओके डॉक्टर। आज विक्की को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है, हम पूजा आज ही रख सकते हैं कावेरी। लो रिमझिम आ गई, उसी से पूछ लेते। रिमझिम, भगवान की कृपा से मेरा विक्की ठीक हो गया, तो मेरा मन कह रहा था कि हम घर पर सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, तुम्हारा क्या कहना? इसमें सोचने वाली क्या बात है भाभी। बिल्कुल भाभी यही कह रही थी, तो ठीक है मैं तैयारी शुरू करती हूँ। ठीक है। क्या बात है रिमझिम, तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, क्या गर्व के बारे में हमें भाभी को बता देना चाहिए? रिमझिम क्या बात है? भाभी ईशा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी स्थिति फिर अजीब से दो राहे पर आ गई है। अब क्या हुआ है रिमझिम? उसने तो विक्की को माफ करके अपना भी लिया है। गर्भ जिंदा है भाभी। ये तुम कैसे कह सकती हो? अजीब से स्थिति में फंस गए हैं भाभी, वहां गर्व है
जो हर पल ईशा के बारे में पूछता रहता है। उसे ईशा से मिलना है और यहाँ अभी अभी तो ईशा और विकी की नई जिंदगी शुरू हुई। हम नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो। पता नहीं इस लड़की के नसीब में क्या लिखा है। ईशा मासूम है रिपजा, भगवान उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते। देखना जो भी होगा अच्छा ही होगा। विकी शर्मा को आप कब तक डिस्चार्ज कर रहे हैं? ये तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं मैडम। हमें जल्दी ही एक होना है। भगवान ने हमें एक नई जिंदगी दी है साथ जीने के लिए। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं गर्व। गर्व से तुम्हारा क्या रिश्ता है?